Oh,
आराध्यो भगवान ऋषिकेश
तो कल जो है हम लीला के उस समुद्र में है दामोदर जी की, माता यशोदा ने कृष्ण को जब गुरु को बदलते देखा तो जैसे एक साधारण बालक को नीचे एक माँ रख देती है, एक क्षण में उसको रख करके माता यशोदा की उस वैष्णव गुरु की हाथ में थोड़ा सा ठंडा जल लेती है और उस वैष्णव गुरु पर छिड़कती है और कहती है, भैया गुरु तू क्यों आत्महत्या करना चाहता है? तो गुरु कहती है, भैया मैं इसीलिए आत्महत्या करना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं कि कृष्ण जो है उसकी जो भूख है सार सागर पी जाए इतना दूर को पी सकते हैं और आपकी छाती में सिर सागर से भी ज्यादा अधिक दूर है, तो इस तुच्छ दूर का क्या काम है? मेरा तो कोई व्यवस्थित वही नहीं रहा, मैं कृष्ण की सेवा में मुझे नहीं लगता है कि मैं लग पाऊंगा, इसीलिए मेरा जीना बेकार है, मैं इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मैं आत्महत्या कर लूं। माता यशोदा गुरु को सांत्वना देती है, हमारे गुरु आचार्य समझाते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक वरिष्ठ अधिकारी या वरिष्ठ वैष्णव है या कोई संत गुरु है मार्गदर्शन देता है, सांत्वना देता है भक्तों को, वो कहती है कि गुरु तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं तुझे अवश्य कृष्ण की सेवा में लगाऊंगी, क्योंकि मेरे जो छाती से जो दूध निकलता है उससे मैं दही नहीं बना सकती, उससे मैं माखन नहीं बना सकती, उससे मैं मिष्टी आदि जो मिष्ठान है वो मैं नहीं बना सकती, खोया आदि, और कृष्ण को बहुत ये सारी चीजें पसंद है, तो बिल्कुल चिंता मत कर, तुझे मैं अवश्य मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। हमारे गुरु पाद जी का गुरुद्वारा मंदिर मानस का युक्त चरण भक्त चरणी जो होगी वंदे गोष्ठी चरणार। जो सब गुरु होता है जो वैष्णव निकाय होता है जो मध्यम आदि नारे और उत्तम आदि नारे ईश्वर जो होते हैं वो दूसरे निम्न अधिकारी वैष्णवों को सेवा में नियुक्त करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि सेवा के माध्यम से जीव का उद्धार होता है। अगर हम सेवा में खुद अगर हम लगे और दूसरों को लगाए तो उससे कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसी तरह यहां पर कृष्ण जब माता यशोदा ने उसको जमीन के छोड़ पर छोड़ दिया तो बहुत रोने लगे और उनको काफी रोना है, लेकिन मन ही मन में कृष्ण सोच रहे हैं मेरी माता इतनी अच्छी वैष्णवी है, तो देखो दूर का और मेरे जितने ही मेरी सेवा में जितनी भी चीज है सामग्रियां है उसका कितना ख्याल रखती है। यहां तक कि कभी कभी जब माता यशोदा कृष्ण को बहुत बढ़िया श्रृंगार करती है, सुरदास जी एक पद में लिखते हैं, कर्म श्रृंगार मैया मन भावन, कर्म श्रृंगार मैया मन भावन, बहुत सुंदर मन भाव श्रृंगार करती है माता यशोदा, और कृष्ण जब घर से नंद भवन से एक कदम रखते हैं बाहर तो मिट्टी वृक्ष की मिट्टी में वो लुटपुट हो जाते हैं और सारे वस्त्र गंदे कर देते हैं, तो माता यशोदा कृष्ण को कहती है, उसको धमकाती है, कृष्ण ये क्या कर दिया, इतने सुंदर वैष्णव
जो वस्त्र के रूप में है, तुमने उसका आदर नहीं किया। तो माता यशोदा हर चीज कृष्ण की जो सेवा में उपलब्ध थी उसका सम्मान करती थी। और हमें ये इससे ये तत्व ये बताता है कि वैष्णव जो होता है वो वैकुंठ भोलोक आदि में हर एक चीज जो है चित्त है, उसमें जीव है, इसमें उसमें चेतना है। इसलिए जब हम कभी भी मंदिर के अंदर कोई भी जैसे कि ये करताल है, मृदंग है, हारमोनियम है, भगवान की जो भी सामग्रिया है अर्चना के लिए दिया है, थाली है, कटोरिया है, सब कुछ दिव्य है, उसको हमें बड़े आदर से और प्रेम से, क्योंकि ये सारे बलराम जी के विस्तार किए हुए अंग है। कभी अगर किसी वैष्णव ने गलती से करताल जमीन में फर्श पे रख दिया या मुद्दा में रख दिया तो उसको हमें बड़े आदर से उठा करके अच्छे स्थान पर रखना चाहिए या कम से कम आसन भी होगा फर्श पे नहीं रखना चाहिए। उसको बोलते हैं वैष्णव गैर। वैष्णव गैर जो है माता यशोदा बढ़िया दिखाती है तो मेरे ख्याल में दोबारा लीला करने लगा ये मैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण को भी क्रोध आया है और कृष्ण रो रहे हैं। इस बार रामचंद्र लीला में दूसरी बार रोए, पहली बार रोए जब वो उठे और माता यशोदा को अपने निकट नहीं पाए, दूसरी बार रो रहे हैं जब माता यशोदा ने उसको सोचते हैं कि मुझे इग्नोर किया है और वो दूध के नीचे भागी है, मेरी अभी भूख खत्म नहीं हुई और मुझे ऐसे छोड़ दिया। कृष्ण जो है रसोई घर में एक सुंदर सी बहुत बड़ी बर्तनी पड़ी है जिसमें आधा रखा हुआ दही रखा हुआ है। शायद उस बर्तनी की जो साइज थी वो कृष्ण से शायद दो तीन गुना थी। और कृष्ण उसको देखते हैं और साथ साथ में उनकी तिरछी नजर एक छोटे से चट्टी घिसने वाले पत्थर पर गिरती है। और कृष्ण जैसे ही चट्टी घिसने वाले पत्थर पर गिरती है और मट्टी की तरफ गिरती है, अपने चाकोर अक्षर और उनके मन में एक युक्ति आई। जैसे ही मन में युक्ति आई दो पाया ने अपना आवरण उस क्षण के लिए हटा दिया और अपने ऐश्वर्य से कृष्ण ने बिना बिल्कुल ध्वनि किए हुए उस चट्टी हिस्से वाले पत्थर को ऐसी जगह उन्होंने मारा मट्टी के ऊपर, मट्टी के नीचे वाले हिस्से पर, वहां से एक सुंदर सी जैसे शिव सागर एक बाढ़ जैसे टूट जाता है, जैसे दूध का एक बाढ़ टूट जाता है और जमीन के ऊपर फर्श के ऊपर रसोई घर में छास छोड़ हुई है, वो उस दही अलादा अपा और दही एक फरवारे की तरह निकल रहा है। और रोते हुए कृष्ण इस रटकट पड़ा अपने खुद के रटकट पड़ा को देख कर वो स्वयं हंसने लगे। जैसे कोई बच्चा होता है कभी वो रोता है लेकिन अगर उसको कोई मस्ती सूझती है तो वो अपना जिस क्षण में उसका रोना बंद हो जाता है और वो हंसने लगता है। ऐसे ही है हमारे श्याम सुंदर कृष्ण गोपाल बाल कृष्ण, ऐसी युक्ति पर उन्होंने ये सुंदर सी लीला कही। अब प्रश्न मन में यह आ सकता है कि कृष्ण ने क्रोध क्यों दिखाया, हालांकि माता यशोदा ने बहुत सुंदर कार्य किया, एक वैष्णव को शांत बना दी है। तो हमारे आचार्य समझाते हैं कि यदि भी अगर कृष्ण क्रोध नहीं करते, यदि भी अगर कृष्ण रोते नहीं तो उनको ये युक्ति नहीं सोचती कि मट्टी तोड़नी है। और यदि भी अगर मट्टी नहीं तोड़ते तो आगे ये दामोदर लीला होती नहीं। तो ये दामोदर लीला को आस्वाद उनको स्वाद बनाने के लिए कृष्ण अनेक लीला करते हैं जो कभी कभी हमारी समझ के बाहर होता है। कृष्ण उस मट्टी में से जो छाछ निकलती है उससे इतना खुश हो
होते हैं लेकिन तुरंत ही सावधान हो जाते हैं, अपने छोटे छोटे हाथ गाल की हाथ पर रखते हैं और ये मेरे क्या कर दिया, मैया यशोदी यशोदा घूमेगी तो मेरी खैर नहीं है। माता यशोदा अभी भी गुरु के साथ वार्तालाप कर रही है और उनके पीठ के पीछे यीशु पर चल रहा है। जब कृष्ण ने महसूस किया कि किसी क्षण माता यशोदा घूम सकती है और मेरी खैर नहीं है, तब वो धीरे से उठे और अपने छोटे छोटे पैर से, बिल्कुल हल्के हल्के पैर से, रसोई घर से लगा हुआ एक स्टोर रूम है जहां पर मार्टन आदि रसोई घर में कुछ पटाख पतेलिया उखड़ आदि रखते थे और उस स्टोर रूम के दो दरवाजे भी थे, एक दरवाजा रसोई घर में खुलता था और दूसरा दरवाजा नंद बाबा के मंदिर के अंदर। कृष्ण बड़ी चतुरता से वहां से खिसकते हैं लेकिन योग माया के आवरण से वो अपना आश्रम भूल जाते हैं और बिल्कुल एक छोटे से निष्भाव इनोसेंट बालक जैसा होता है। वो सोचता है कि मैं जाता हूं अंदर और अपने आप को वो वहां पर बंद कर देता है। पुराने जमाने में ऐसी दरवाजा आते थे अगर आप लकड़ी का घुमाओ तो दोनों तरफ से खुलता है, दोनों तरफ से बंद होता है। आप लोगों ने गांव में देखा होगा, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया बिना आवाज किए, बिना हाथ किए दावा आवाज बंद, लेकिन कृष्ण भूल जाते हैं कि उन्होंने छोटे छोटे सुंदर से चरण चिन्ह छोड़े हैं जो माता यशोदा को तुरंत बता देगा कि ये कहां गए हैं। नंद भवन काफी बड़ा है, अभी तो अगर हम गोकुल भाग में चले जाए तो 84 खंभा है। आप सोच सकते हो कि 84 खंभा पे जो नंद भवन जो खड़ा है, नंद है तो कितना बड़ा है सकता है, तो कृष्ण कहीं भी खिसक सकते थे। लेकिन कृष्ण ने सोचा कि उस मट्टी जो उन्होंने तोड़ी है उसके अंदर से माखन निकलेगा, लेकिन उसमें से माखन नहीं निकला, आधा भाव का दही निकला। तो कृष्ण को अभी अपनी भूख तृप्त नहीं हुई है और उन्होंने देखा कि इस कमरे के अंदर शीशा के ऊपर सुंदर सा स्वच्छ मीठा माखन लटका हुआ है और कृष्ण है सिर्फ दो करके और ढाई हाथ के, आप समझ लीजिए कितने छोटे हैं, शिखा की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं हरि बोल हरे कृष्णा कि मैं इसके ऊपर कैसे पहुंचू। मुंह में लाल निकल रहे हैं कृष्ण के और कृष्ण फिर से योग माया ने अपना आवरण शरीर के हटा दिया और कृष्ण को अपना जो सबसे आनंद विरह का जो बल है उस बल से बड़ा बहुत ही भारी भरकम वहां पर जो उखल है उसको ठीक साइड से हटा के उस सीखे के नीचे रखते हैं और उस पर चढ़ करके माखन का आस्वादन करने लगते हैं। माखन कृष्ण खूब खा रहे हैं, उनके होठों के ऊपर, उनके लार के ऊपर, इनकी धड़ियों पर, सब जगह पर माखन होगा और भोर से अब जो है धीरे धीरे सूर्योदय होने लगा है। जब सूर्योदय होता है तो जैसे आप जानते हो मंगला आरती में जब हम निकलते हैं भोर में तब सारे बंदर पक्षी सो रहे होते हैं, जब आप सारे दिन पौने चार बजे आप निकलते हो, लेकिन जब आप गुरु पूजा में आते हो तब सारे बंदर बढ़ जाते हैं वृंदावन में, पंछियों की आवाज चहचहक आती और सारे जो है वृंदावन में और भी रौनक आ जाती है। तो गोकुल में जैसे उस समय जस्ट सूर्योदय हो रहा था और वहां पर नंद बाबा के आंगन में उन्होंने देखा खिड़की में कुछ बंदर आ रहे थे और कुछ कौवे, तो कृष्णा बंदर और कौवों का कह रहे थे, ये सूखी माखन खा,
भी मालिक था। और आप तो जानते हो यद्यपि अगर आप एक केला या एक छिलका आप किसी बंदर को या किसी पक्षी को दो तो ना जाने कहां से आप 50 आगे खड़े हो जाते हैं। तो यही हाल हुआ वहां पर, और बंदर आ गए और कौवे आ गए और कृष्ण के श्री कमल हस्त से वो जो है आस्वादन कर रहे महादेव का। और इसमें भी बहुत सुंदर एक तत्व छिपा हुआ है। हमारे आचार्य गण बताते हैं वैष्णव गण कि ये बंदर को कृष्ण क्यों माखन खिला रहे हैं और कौवों को क्यों खिला रहे हैं। तो उसमें कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में कृष्ण जो है उनसे सब कुछ उत्पन्न होता है और वो सब कुछ जानते हैं। अभिज्ञ और स्वराट है तो वो जानते हैं कि त्रेता युग में जब राम जी उनके अवतार में आए थे तब वानरों ने उनकी सहायता की थी सेतु बंधन में और रावण के साथ युद्ध लड़ने में। तो कृष्ण यहां पर अपना कृतार्थपना जो है दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मैं खुद वन में था, मैं भिक्षुक था, मेरे पास कुछ नहीं था देने के लिए, मैं खुद जो है कर्म कुल में जीता और आप लोगों ने भी फल फूल जो भी आपको मिला आपने उसमें गुजारा कर लिया, लेकिन मेरे पूर्व प्रसन्न होते हुए आपको मैं कंदमूल फल फूल नहीं दूंगा, सबसे श्रेष्ठ जो भोजन में जो होता है वो माखन होता है। माखन बड़ा महंगा होता है, आप चले जाओ पूरे बाजार में खोया है, घी है, है? दूध आपको 40 रुपए किलो मिलेगा, घी कितने का होता है, अगर बढ़िया घी गाय का घी लेने जाओ तो 1600 रुपए किलो, 1800 रुपए किलो। तो शुद्ध माखन जो है वो एक बहुत ही रिच कोई साधारण भोजन नहीं है। जैसे किसी श्रीमंत के घर में हम अगर दावत करने जाते हैं तो वो बढ़िया सा पकवान बनाते हैं, तो वो पकवान जो होता है उसकी क्वालिटी से पता चलता है कि ये कितना रिच है या कितना धनवान है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण कितने धनवान है बोलते ये सबसे प्रिय मुझे है वो मैं अपने हाथ से तुम्हें बुलाऊंगा, मैं कृतार्थ हूं कि आपने मेरे राम अवतार के लिए मेरी सहायता की थी। अब ये दूसरा प्रश्न ये उठता है कि कौवों को उन्होंने क्यों खास करके खिलाया, आगे गुलाब मारा। तो कहते हैं कि उसी राम अवतार के अंदर आज जो है वंश आपका जो है मेरे प्रिय एक भक्त है कामभूषण की, और वो अभी भी कैलाश में मानसरोवर में बैठ के नित्य रामायण या राम कथा कर रहे हैं, तो मैं उसका भी किरदार हूं। तो आओ आप, वैसे कौवे जो है वो मल आदि खाते हैं, उनका खाना वही होता है, लेकिन आज कृष्ण उनको स्वयं अपने हाथ से माखन खिला रहे हैं। ये जो है उसमें रहस्य हमारे आचार्य को बता रहे हैं। अब ये इनको बड़े मौज से खिलाते हैं कौओं और बंदर को, और बंदर भी बार बार आते हैं खाते हैं, और अचानक कृष्ण उनको बोल रहे हैं आओ आओ, लेकिन बंदर पास नहीं आ रहे हैं। वैसे बंदरों की एक बात से यहां पर कई बार हम जब वृंदावन ब्रज में आते हैं तो हम लोग कभी अपराध कर बैठते हैं, बंदरों को मारते हैं, देखा है कई बच्चे या कई लोग जो नाश मच होते हैं उनके ऊपर पत्थर आदि फेंकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत उच्च कोटि के वैष्णव है। व्रज के अंदर उन्होंने जन्म लिया है, गोपी जी हम रोज शाम को सुनते हैं
उसने एक लाइन ले ली है शुरुआत में, जय दीते अधिकाम जन्म नाम जय। हालांकि ये जन्म नाम जय कृष्ण के लिए गाता है, लेकिन उसके कई बात निकलते हैं, जय से भी अधिक अगर कोई है जिसका जन्म हुआ है वो बच गए। मोर ग्लोरियस देन ग्लोरी, जय दीते अधिकाम जन्म नाम जय। और बंधन जो है अपना नटखट पड़ा कैसे छोड़ेंगे, वो कृष्ण नटखट है और कृष्ण के मित्र है, तो कैसे वो उनकी कृष्ण के तो उनका स्वभाव आएगा ही। हम जाते हैं यहाँ पर घोड़े बाजार में तो तुरंत चश्मा उतार देते हैं है? और वो चले जाते हैं ऊपर बिल्डिंग के ऊपर, कितना नटखट पड़ा है उसका, ये भी एक सुंदरता है। एक बार ऐसा होगा शाम के समय मैं अक्सर सात मंदिर के दर्शन करने निकलता हूं, तो दो साल पहले की बात होगी, वर्ष पहले 15 साल पहले की बात थी, दादा दामोदर मंदिर में मैं और एक प्रभु जी गए थे। उस टाइम मुझे चश्मा नहीं था लेकिन रूप था, हम लोगों ने रूप गोस्वामी की समाधि को दर्शन किया, और उस समय जो है वो उन्होंने मकान नहीं बनाया था, ओपन में था, तो वहां पर एक जीवो गोस्वामी का पेड़ है अगर आपको किसी को याद है तो वहां पर हम लोगों ने दंडवत किया, और जैसे ही हम उठे प्रभु जी का चश्मा है और जो है बंदर ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा है चश्मा लिए, तो वहां पर पुजारी जी उस मंदिर के परिक्रमा लगा रहे थे, तो मैं कहे चिंता मत करो अभी आपका चश्मा दिला देता हूं। थोड़े गए मंदिर के अंदर और एक दोने में हरी एक दोने में कुछ कटा हुआ फ्रूट ले आए और उन्होंने एक एक पीस करके डाला और चार पांच पीस ऊपर डाले तो चश्मा नीचे आ गया। बंदर भी खुश और हमारे साथ में प्रभु जी थे वो भी खुश। अब बात आई 13 साल बाद राजा मोहम्मद जी गली में से हम दर्शन करके मिले और वहां पर एक छोटी सी हाथ में भी उठा है, तब पर हमें 40 का चश्मा मिल गया। उस हाथ में की दुकान में जब हमने प्रवेश किया, हम आचार्य जी थोड़ा सा ऊंचा हो रहा है ना, उनके जो की लोहे जार की दुकान है उसके ऊपर हम ऊपर चढ़े और हमने जब दिया जरा हाथ में दिखा कोई छोटा सा मंदिर हो, तो दुकान वाला पूछा हाथ में निकाल रहे हम जो है हाथ सारे गमा पादमी सा और पीछे से ऐसे चश्मा चला दुकान के अंदर। तो मैंने सोचा कोई भक्त होगा जिन्होंने बड़ी कोई मस्ती करना है ना हमारे कम पूजा के लिए यहाँ भर करते तो कोई अपने भक्ति के लिए होगा, दुकान वाला कहते हैं प्रभु जी आपका चश्मा आया। तो मैंने घूम के देखा पीछे से कोई हमारे जान पहचान वाले लिए प्रभु जी आपका चश्मा भर कर दे, तो मैंने बोला तुरंत 13 साल पुरानी याद आ गई बात, प्रभु जी आपके पास फ्रूट है भाई तुरंत फ्रूट निकाले, मैं चाहता हूं चश्मा कैसे वापस आए। तो दुकानदार बोला कि प्रभु अब फ्रूट से काम नहीं चलता है, फ्रूट ही चाहिए। और वाकई अपने असिस्टेंट को उन्होंने 15 रुपए जेब से देकर के सामने दुकान से फ्रूटी ले आया, बंदर 2 मंजिल ऊपर चढ़ गया, 7 बंदर यानी ही वैसे थी है, और उसके छोटा सा बच्चा भी काम मेरा चश्मा लेकर के ऐसे ऐसे करके जैसे ही फ्रूटी डाली एक बार से फ्रूटी पकड़ी और दूसरे हाथ से चश्मा नीचे गिरा दिया। और फ्रूटी जो होता है जानते हैं फ्रूटे के डब्बे में आता है उसके ऊपर स्ट्रॉ रखती है, लेकिन ऐसी दक्षता से एक्सपर्टिस से उस बंदरयानी ने फ्रूटी को खोला, एक बूंद नीचे नहीं गिरी, खुद भी लिया और अपने बच्चे को भी खिलाया। तो ये है कृष्ण के नटखट जो है बंदर। पिछले साल मैं आया था केशी घाट से पहले चीर घाट आता है, तो मैं मेरे माता पिता के साथ वृंदावन की पाई रिक्शा परिक्रमा कर रहा था। उस समय मेरे पिताजी रिक्शा में टमटम में बैठे थे और हम भूल गए उनको कहना है कि पिताजी चश्मा उतार दीजिए। टमटम में बैठे कहां से बंदर आया, चालू टमटम से मेरे पिताजी के चश्मे दे गए।
तब मैं नीचे उतरा, टमाटर वाले से बोला भैया उस दुकान से फ्रूटी ले आओ, लेकिन इतने में वहां पर एक सब्जी वाला था, उधर प्रभु जी आप और तो मेरी गारंटी है 50 रुपए दे देना, 100 रुपए दिला दूंगा। उसके पास गाजर मूंगी ऐसे फल रखे हुए थे, तो बोला ठीक है भैया अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो आप जो है दिलवा दो पिताजी का चश्मा। तो वो गए प्रभु जी आप पीछे हट जाओ, अब बाकी का काम मेरा है। उन्होंने बंदर ऊपर है उस प्राचीन चीर घाट के ऊपर कुछ छत्र बने हुए हैं, तो वहां पर उन्होंने हाथ में 4-5 गाजर लिए, 3-4 मूली ली और डालने लगा। अब देखिए बंदर कितना कमकट है, गाजर एक हाथ से पकड़ता है, एक हाथ में चश्मा खाएगा, चश्मा नहीं छोड़ा। कम से कम 7-8 गाजर खा गया, 5-10 मूली खा गया, फिर भी चश्मा नहीं छोड़ा एक हाथ से, जैसे एक्सपर्ट क्रिकेटर एक हाथ से कैसे कैच पकड़ता है। फिर मैंने उसको हाथ जोड़ के कहा प्रभु उधर हो रहा है, शिक्षा वाले से बोला भैया फ्रूटी ले आओ। वो जाकर के फिर फ्रूटी ले आया, फ्रूटी जैसे ही डाली अपने आप चश्मा नीचे आ गया और हम आगे अपनी परिक्रमा के लिए निकल गए। एक और डॉक्टर पना की मुझे याद आ रही है बंदर की। एक बार एक जमाने में ब्रश के अंदर एक टोपी बेचने वाला था, तो वो टोपी ये सारा गांव गांव जाता था, बोलते टोपी ले लो टोपी ले लो टोपी ले लो। दिन में वो टोपी बेचता था, जब धूप चढ़ जाती थी दोपहर के अंदर तो ब्रश के एक पेड़ के नीचे सो गया, थोड़ा सा विश्राम किया आधा घंटा, उसके बाद जब उठा उसकी सारी घड़ी से टोपी खाए, ऊपर देखा तो सारे बंदरों ने टोपी पहनी हुई है। तब उसने जो है कुछ समय पहले ये एक खानदानी पेशा था टोपी बेचना, तो उसको याद था बचपन में उनको दादा ने टोपी बेचा करते थे, तो दादा ने उसको ये एक कहानी सुनाई थी कि मेरे भी मेरी भी टोपियां बंदर ले गया तो मैं टोपी कैसे वापस प्राप्त की। तो दादा की बात याद करके उसने अपनी एक टोपी थी वो सलामत थी, उसने वो टोपी को पहले क्या किया उसने ऐसे ऐसे किया, तो सारे बंदरों ने ऐसे ऐसे किया, उसने ऐसे ऐसे किया तो बंदरों ने भी ऐसे ऐसे मदद की। फिर उसने अपनी टोपी जो थी उसने उठाकर जमीन पे डाली, और जैसे ही उसने डाली उनके दादा दादा की बात चल रही है, जैसे दादा ने डाली सारे बंदरों ने डाली और दादा ने सारे टोपी इकट्ठा करके अपनी टोपी प्राप्त कर ली, तो वही चीज उसको याद आ रही थी, तो उसने भी वही किया, ऐसे ऐसे किया बंदरों ने, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया बंदरों ने, ऐसे ऐसे किया। फिर उसने अपनी टोपी नीचे डाली तो एक भी टोपी ऊपर से गिरी नहीं। अब हैरान की बात यह है उसमें से एक बंदर नीचे उतरा और उसके जोर से तमाचा मारा, चाटा मारा, और उसने बोला आप ऐसे मत सोचो सिर्फ आपके दादाजी हैं, हमारे भी दादाजी थे और उन्होंने भी हमें यही बताया था कि ऐसा एक टोपी वाला आया था कुछ साल पहले और हमें फंसा के ले गया था और हमने नकल की और हमने सारी टोपियां दे दी थी। तो उसने कहा ही कि हमारे भी दादाजी हैं। तो ये हमारे ब्रज के नखट बंदर है। तो कृष्ण के तो आंगन के अंदर जो दरवाजा उस दरवाजे से उन्होंने
उन्होंने छलांग लगाकर वहां दौड़े। तो अब हम इस लीला में प्रवेश कर रहे हैं दामोदर सुंदरी की। हमने जब कैसे बताया था कि जो दामोदर लीला है सत्यव्रत दामोदर है सत्यव्रत मुनि ने रचा है और सत्यव्रत मुनि नारद जी और सोनक आदि ऋषियों का एक उल्लेख है पद्म पुराण में किसी भौतिक युग में लिखा हुआ वो सत्ययुग में लिखा हुआ वो उन्होंने इस अष्टकों के द्वारा प्रस्तुत किया है। तो वो कहते हैं नमामि ईश्वरम सचित आनंद रूपम गोकुल भरतमान सत्यव्रत मुनि सबसे पहले नमन करते हैं दंडवत करते हैं कृष्ण को। कौन से कृष्ण को? जो सब चित आनंद रूप हो। तो जब वो नमन करते हैं तो यहां पर उनका जो हो दास्य विशेष यानी कि भगवान की जो ऐश्वर्य ऐश्वर्य विशेष को वो प्राप्त करते हैं कि मैं जानता हूं कि आप पूर्ण पुरुषों का भगवान हो और मैं आपका दास हूं। तो दासों को प्रकट करके कृष्ण को प्रणाम करते हैं नमामि ईश्वर आप भगवान हो। सब चित आनंद और सच्ची आनंद भगवान के जितने भी अवतार है उनको भी सच्ची आनंद कहते हैं। विष्णु है नारायण है सारे नाम जी है सारे सच्ची आनंद है। लेकिन यहां पर वो किसको दंडवत कर रहे हैं? वो दंडवत कर रहे हैं नमामि ईश्वर सच्ची आनंद रूपम जिनके कुंडल अपने गांव के छलक रहे हैं और जो गोकुल में विराजमान है वैकुंठ में नहीं नारायण नहीं कोई नारायण स्वरूप नहीं और विष्णु स्वरूप गोकुल के अंदर जो विराजमान है सच्ची आनंद उसको मैं प्रणाम करता हूं। तो ये एक गौरी भाव है। हालांकि ये दास्य रस है इसमें और वात्स्य रस की है फिर भी हमारे गौड़ीय आचार्य उसको बड़े प्रेम से गाते हैं कि इसमें गौड़ीय भाव है क्योंकि उन्होंने गोकुल में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनको दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर सब चित आनंद का जो साधारण अंतर है सब मतलब नित्य चित मतलब जो सब कुछ जानना है और आनंद मतलब आनंद है। लेकिन यहाँ पर सब चित आनंद का एक बहुत सुंदर बात समझाते हैं। सब का मतलब वही सत है ईश्वर परम कृष्ण सचिन आनंद विग्रह अनादि आदि गोविंद। यहां पर शब्द पे गौर कीजिए हरि बोल गोविंद सर्व कारण कारण ये गोविंद जो गोलोक वृंदावन है वही सत है क्योंकि उन्हीं में से जन्मादिस्य उन्हीं में से जितने भी सारे अवतार है उनमें से उत्पन्न होते हैं। इसलिए सत्यम परम धीमहि कि पूर्ण पुरुषोत्तम यशोदानंद कृष्ण है नंदनंद कृष्ण है। इसीलिए यहाँ पर सबका अर्थ हमारे गौड़ीय आचार्य समझाते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम यशोदानंद है नंदनंद है राधारमण है उसको चिंता पर ये समझाते हैं संबंध उस ज्ञान कृष्ण को है। कृष्ण सब कुछ जानते हैं नारायण भी सब कुछ जानते हैं विष्णु भी सब कुछ जानते हैं लेकिन यहाँ पर चित्त आपको यह बता रहे गोकुल में जो कृष्ण है ब्रज के अंदर जो कृष्ण है वो यही जान रहे कि मैं और मेरा भक्त और प्रेम ना मेरा ऐश्वर्य ना मेरा और कोई गुण सिर्फ मधुर रस उसको बोलते हैं चित्त। और उसी में से जो कृष्ण को और उनके भक्तों को आनंद मिलता है वही सब चित आनंद। फिर और चीज मैंने कल बताई शुरू में कि ये इसका जो भाव जो निचोड़ा है हमारे आचार्यों ने सप्तम्रत मुनि का जो ये अष्टकम है दामोदर अष्टकम जैसे एक संवाद है कृष्ण और सप्तम्रत मुनि एक सूक्ष्म संवाद। सप्तम्रत मुनि पहले दास्य भाव में उनके ऐश्वर्य की चर्चा करते हैं उनकी ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हैं लेकिन वो ऐश्वर्य जो गोकुल में है कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि गोकुल में ऐश्वर्य नहीं है ब्रज में ऐश्वर्य नहीं है ब्रज में तो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है लेकिन वहां पर मर्यादा नहीं है जो वैकुंठ के अंदर है। कैसे नहीं हो सकता
और देखा उनको नहीं। ये भी योग माया की एक कृपा है वहां पर, नहीं तो अक्सर कोई ना कोई होता है। तो माता यशोदा ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं कैसे भी करके जाऊंगी और इस नक्षत्र को मैं पाऊंगी। तो भक्त भी ऐसा निश्चय बना होना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसायन सिंधु में, क्या धैर्य निश्चय, वी शुड बी डिटरमिन्ड। माता यशोदा पीछे दौड़ी, माता यशोदा का सौंदर्य बहुत अच्छा है और उनका शरीर भी इतना सुंदर है। गोपाल शंकु में वर्णन करते हैं कि उनका जो सौंदर्य है, महिला का जो रूप है, उनकी जो छाती है काफी बड़ी है, पति कमर है, उनके जो हिप्स है, जो क्या बोलते हैं हिप्स को, वो बड़ी काफी है। और माता यशोदा के जितना भाग नहीं सकती है, उन भागते 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 उनके जो वेणी है केक की फूलों की, वो गिर जाती है, फूल गिर जाते हैं। तो फूल माता यशोदा रुक जाती है फूलों की तरफ और वो फूल उठाना चाहती है, लेकिन वो गिरती के फूल कहते हैं मैया जाओ, उस नक्षत्र को पहले पकड़ो, जो आपका कार्य है वो करो, आप हमारी चिंता मत करो। तो माता यशोदा फिर अपनी दौड़ शुरू करती है और कृष्ण दौड़े जा रहे हैं आगे निकलने के लिए, माता यशोदा पकड़ नहीं पा रही है। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है, कृष्ण एक क्षण के लिए ऐसे मुड़ते हैं। आप लोगों ने ये तस्वीर देखी होगी, माता यशोदा दौड़ रही है, उसके हाथ में छड़ी है, बहुत सुंदर सा चित्र है। और कृष्ण कैसे पीछे मुड़ते हैं, और जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, यशोदा माता उनको पीछे से पकड़ लेती है। यशोदा भी कलर पीछे से ततो अत्यंत अत्यंत मतलब माता यशोदा ने अत्यंत प्रयास किया दौड़ने का और कृष्ण को पकड़ लिया। जब कृष्ण को पकड़ा तब उनके हाथ में छड़ी थी और कृष्ण ने जैसे ही वो छड़ी देखी तो क्या हाथ में मूषाशक हमको त्रिरेखांक खंड नहीं उससे पहले हमारे सत्यव्रतमुनि कहते हैं कि जब छड़ी लेकर ये निरंतर बाल अपनी माता को छल करना चाहते थे, इसलिए वो जानबूझ के अभी रोए नहीं है, लेकिन बार बार अपने हाथ घिस रहे हैं जोर जोर से ताकि आंसू निकल पाए। और जब माता यशोदा आंसू देखेगी तो वह छड़ी डाल देगी और उसको जो दंड देना है वो दंड भी नहीं देगी। तो रुदुलता मतलब बार बार रो रहे हैं लेकिन छल पड़ा है, ये झूठे आंसू है जो कृष्ण ने, लेकिन माता यशोदा ने अपनी छड़ी नहीं छोड़ी। भक्त बड़ा निश्चित है, कल हमने बताया था कि कृष्ण को माता यशोदा ने कैसे नीचे आसान बच्चे की तरह रख दिया, हालांकि उनका जैसी 10,000 हाथी वाली बल वो छुड़ा नहीं पाई, इसीलिए छुड़ा पाई क्योंकि माता यशोदा का प्रेम कृष्ण के प्रेम से अधिक है, कृष्ण के प्रेम से अधिक है, इसलिए माता यशोदा कृष्ण को पकड़ पाई। और कृष्ण के प्रेम उसको इतना अधिक है तो माता यशोदा ने जब ये देखा कि आंसू दृढ़ दृढ़ आ रहे हैं फिर भी माता यशोदा ने छड़ी नहीं छोड़ी, तब कृष्ण समझ गए कि मेरी माता अब बड़ी सीरियस है, ये मेरा नटखट बोला चलने वाला नहीं है, मेरा छल चलने वाला नहीं है। तो सचमुच में उस समय डर गए और डरने से उन्होंने त्रिरेखांक कंठ मूषाश तब कंपन करने लगे और नीचे देख रहे हैं और माता की तरफ ऐसे देख रहे हैं और मुंह उनकी सांस फूल रही है और उनका शरीर कंपन कर रहा है। माता को अब पता चल गया कि सचमुच में डर गया है, तो माता ने उस समय छड़ी को फेंक दिया।
फिर भी माता ने उसको छोड़ा नहीं है, तुझे अवश्य दंड तो होगा। और मुझे काफी काम है, इंद्र यज्ञ आ रहा है और इतने
में कृष्ण का एक सारा रोना धोना सुन करके गोपियां ब्रज की आ गई है नंदनगर में और सारा तमाशा देख रही है और हंस रही है और माता यशोदा कह रही थी कि आप जो है मानने को तैयार नहीं थी कि हमारे हमारे यहाँ आ रहा कृष्ण। कृष्ण का जो रूप है गोकुल के अंदर, कृष्ण जब से चलने लगे और अपने भगवान बाप के साथ जब चलने लगे तो माखन चोरी करना शुरू कर दिया था और माखन चोरी करके जब गोपियां आती थी ऐसा लगता था कि माता यशोदा को फरियाद कर रही थी। लेकिन हमारे आचार्य टीका देते हैं कि वो मर्यादा नहीं थी, माता यशोदा जो लीला नहीं देख पा रही थी वो तो आकर के कृष्ण की सुंदर सुंदर मधुर लीला को वो उसका आस्वाद बांट रहा थी। भगवत गीता में ही एक श्लोक है, भवंती च दुष्यन्ती च भक्त क्या करते हैं एक दूसरे के साथ भगवान कृष्ण के माता कथा करते हैं और उसी में संतुष्ट होते हैं। माता यशोदा कृष्ण को ले जा रही है और कहती है चल उसी कमरे में वहां पर उखल खड़ा था तो माता यशोदा कहती है उखल तू उखल नहीं है तू खल है, ठीक है क्योंकि तूने इस चीकर की सहायता की, अगर तूने सहायता नहीं की होगी तो यह ऊपर नहीं चढ़ सकता, इसीलिए मैं तुम दोनों को बांध दूंगी, तुम दोनों को बांध दूंगी। पहले कृष्ण को माता यशोदा कहते हैं हमारे आचार्य गोपाल चौधरी ने कृष्ण की कमर छोटी सी है तो माता यशोदा जब दौड़ी और उसके माथे से जो रिबन होता है वो निकल गया, ये गोपाल चौधरी का वर्षन है। उस रिबन से कृष्ण को बांधा पहले और बांधने के बाद उखल को भी दर्द देना चाहा तो ऐसे उसे घुमाया तो दो उदल कर और गोपियां देख रही है तो कह रही है कि आप हंस क्या रहे हो, जाओ रसोई घर के अंदर और गोशाला के अंदर और रस्सियां है ले आओ। तो रस्सी ले आती है एक गोपी घाट बांध के और दो उदल कर सारी रस्सियां खत्म हो जाती है, गोपियां अपने घर से भी ले आती है और फिर भी जो है ऐसी सुंदर लीला है दो उंगली कम है वो गांठ नहीं बांध पाए। हमारे आचार्य की बात बताते हैं इसीलिए ये दो जो उंगली है एक उंगली जो है हमारी अपनी साधना है। माता यशोदा ने बहुत ही खूब साधना की, कृष्ण को उनके पीछे भागे अत्यंत द्रुत हो गया बहुत जोर जोर से प्रयास किया पकड़ लिया, कितना प्रयास किया आंगन में निकली सोचा कि नहीं जाना चाहिए लेकिन पूरा प्रयास किया चाहे कोई भी देर के लेकिन आज तो कृष्ण को पकड़ लिया। ये उनकी साधना है तो भक्त अपनी चाहे कितनी भी साधना कर ले चाहे आप लाख जाप कर लो लाख तपस्या कर लो लाख उपवास कर लो लेकिन जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होती तब तक कृष्ण की शुद्ध भक्ति की हमें प्राप्ति नहीं मिल सकती। माता यशोदा थक जाती है, माता यशोदा के जितने भी थोड़े और बेड़ी के अंदर फूल है वो बिखर जाते हैं, माता यशोदा लाल हो जाती है, पसीना बहने लगता है, हाँफने लगती है और कहती है हे नारायण हे विष्णु ये इसको मैं कब भाग पाऊंगी, बहुत समय हो गया रसोई घर में जाना है कब इंद्र यज्ञ है आज इंद्र यज्ञ है और मुझे कितने काम है। तो उसको देख करके कृष्ण जो स्वयं नारायण है अपनी माता की विनती सुन करके माता को थक करके गोपियां जो हंस रही थी और अब उन्होंने दामोदर भक्ति माता माँ यशोदा की भक्ति और जो भाव है उससे वो अंतर हो जाते हैं। तो ये दूसरी जो उंगली है उसको चिन्ह है कृष्ण की कृपा। हमारे जो आचार्य टीका करते हैं
रामानुज संप्रदाय दक्षिणी संप्रदाय दक्षिणों के वैष्णव संप्रदाय दक्षिण भारत में उसमें दो प्रकार के वैष्णव है, एक तो वड़गाय और एक तिलकाय। वड़गाय वैष्णव और तिलकाय। वड़गाय वैष्णव का एक तत्व है कि हम अपने प्रयास से ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं तब जब आदि से, और दूसरा जो पंथ है उसमें श्री संप्रदाय में वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ कृष्ण की भगवान की कृपा से ही हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोनों का उदाहरण दिया गया है। पहला जो पंथ है तो सोचता है कि सिर्फ हमारे अपने जब तक अपनी साधना से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं मरकट न्याय। आप देखते हैं वृंदावन में जो छोटा सा बंदर होता है अपनी माँ को कैसे पकड़ के जकड़ के रखता है और एक छत से दूसरे छत की छलांग लगाती है, लेकिन वो छोटा सा बंदर कभी गिरता नहीं है। तो उसका मतलब यह हुआ कि उस छोटे बंदर को भी अपना प्रयास करना पड़ता है। अगर वो अपना प्रयास छोड़ देता है तो गिर जाएगा। और कहते हैं कि अगर बंदर एक बार गिर जाता है तो उसकी मां दोबारा उसको शिकार नहीं करेगी, यह हकीकत है। और दूसरी जो भक्तगण है वो कहते हैं कि भगवान की कृपा ही हम भगवान के पास ले जाएगा। और उसका जो है उदाहरण है मांजर ने, मांजर नाय का उदाहरण की बिल्ली, बिल्ली का जो छोटा पिल्लू होता है, जो छोटा बच्चा होता है उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, बिल्ली उसको अपने मुंह से उठाती है और वो कुछ नहीं करती। तो अपने प्रयास से नहीं, मां के जो प्रयास से, मां का जो प्रेम है वो ही उसके लिए काफी है बड़े होने में, उसको अपना कोई प्रयास नहीं करना होता। लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमें दोनों की आवश्यकता है, अपनी साधना की भी आवश्यकता है और कृष्ण की कृपा। और कृष्ण की कृपा कैसे प्राप्त होती है? प्राप्तस्य कल्याण गुणा का वास्ता होते गुरु श्री चरणार विंदम गुरु परंपरा के भाव साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्ता सभा भाव हृदय सती किंतो परोया प्रियलोकस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा न लभति कुतोपि धयास्तुमास्तस्य विशिष्ट संज्ञा वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो कृष्ण की कृपा हमें गुरुजनों के द्वारा, आचार्य के द्वारा प्राप्त होती है, गुरुपाद जी के द्वारा। तो दोनों की आवश्यकता है। तो माता यशोदा उसको बांध देती है और बांधने के बाद रोना रोना कृष्ण का चल रहा है, गोपाल भी आ गए हैं और व्रज की गोपियां भी आ गई और माता यशोदा कहती है अभी तू यही हो और मैं खाती है रसोई में बहुत काम है। पहले तो जो उन्होंने जो मटकी फोड़ी थी कृष्ण ने वो पत्थर मार करके उसमें बड़ा रसोई घर के अंदर बड़ा सा सिर सागर बना करके उसको साफ करना, फिर जाकर के और मिठाई आदि मिष्ठान को बढ़ाना काफी काम था माता यशोदा को। माताएं जानती है जब कभी सत्संग करते हैं और कभी ऐसे रसोई के ऊपर कुछ रखा है सत्संग की कोई 50 आदमी घर के आने वाले हैं और सारे चने या दाल को उनके नीचे गिर गए या जल गए और आप एक घंटे में भक्तों आने वाले रसोई तैयार का आपकी क्या हालत होगी? तो आप सोच सकते हैं कि माता यशोदा को कितना काम था और अभी को कितना और भी काम करना है, पहले तो साफ सफाई से शुरू करना है। तो सारी गोपियों को कहते आओ मेरी मदद करो बहना, मुझे करना है सारा काम। और दामोदर को छोड़ देते हैं। दामोदर का यहाँ पर मतलब ये हुआ, आप लोग तो जानते हैं दाम मतलब रस्सी, और जिसको अपने पेट से बांधा हुआ रस्सी से इसके दाम उधर मतलब पेट, इसलिए उसको तब से गोपिया आदि उसको दामोदर करके गाने लगे। अब दामोदर जो है रो रहे हैं, ग्वाल का शब्द है दाम श्रीदाम सुबल मधुमंगल आदि सब आ गए हैं
और कृष्ण रो रहे हैं कि देख क्या करो मुझे छुड़ा, और सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण को वो छुड़ा नहीं पाते, वो गांठ ही नहीं टूट रहे। उस दरमियान में रोहिणी माता आ रही है वापस उपनंद जी के घर से छोटे बलराम जी को लेकर के साथ में, और उन्होंने भी कोलाहल सुना लेकिन सोचा कि ये बच्चों का खेल है, माता यशोदा को मेरी आवश्यकता होगी रसोई घर में, तो वो सीधी रसोई घर में जाती है दूसरे दरवाजे से और बलराम को छोड़ देती है, और बलराम दौड़े चले आते हैं उस कमरे के अंदर जहाँ दामोदर जी को बांधा होता है। जब बलराम जी देखते हैं कि दामोदर कृष्ण जो है बंधे हुए हैं, तो सबसे पहले उनकी आंख में योगमाय हट जाती है और उनका अनुभव प्रकाश पा जाता है, और स्वयं साक्षात बलराम जी का भाव में आ जाता है, और क्रोध से देखते हैं किससे किया, किससे ऐसी हिम्मत हुई कि मेरे काना को मेरे भैया को बुलाया और ऐसे बुलाया उसको बांध दिया, किससे ऐसी हिम्मत हुई। गोपाल पीछे हट गए, उन्होंने कभी ऐसा क्रोध बलदेव जी में देखा नहीं था। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो बलदेव जी के जो अंश महासंकर्षण शेष था, जो करोड़ करोड़ ब्रह्मांड उनके सर के ऊपर रखते हैं, बलराम जिनके पास सारी सृष्टि का अधिक बल है, इसलिए उनका नाम बलराम है, और बलराम गुरुपद पर है जो बल दे सकते हैं भक्ति के लिए। बलराम जी जाते हैं आगे और तुरंत हटो सब, और वो गांठ छोड़ने का प्रयास करते हैं। बलराम जी भी बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वो गांठ नहीं देते। बलराम जी साक्षात उनके मुखमंडल पर पसीना आ जाता है लेकिन गांठ नहीं छूट रही है। फिर वो दोबारा देख करके पूछते हैं द्वार वालों को किसने नहीं किया, तो मधुमंगल आगे आता है कान में कहते हैं दाऊ दादा मैया। तब बलराम जी छोड़ देते हैं और पीछे हट जाते हैं। अरे बाबा तो मैया यशोदा ने दिया है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यहां एक सुंदर तत्व है, हमारे जितने रस है दास्य रस से वरिष्ठ माना जाता है, सख्य रस से वरिष्ठ माना जाता है, वात्सल्य रस और वात्सल्य रस से वरिष्ठ माना जाता है माधुर्य रस, क्योंकि भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने वात्सल्य रस की गांठ बांधी थी, तो सख्य रस वाले कैसे छोड़ सकते। एक भी बार से वो गांठ खुली ना की स्वयं बलराम जी से गांठ नहीं थी, क्योंकि बलराम जी और द्वारा है वो कृष्ण के सखा, और सख्य रस जो है एक श्रेणी कह सकते हैं कि वात्सल्य से नीचे है। हमारे आचार्य कहते हैं कि यद्यपि बलराम जी के कई स्वरूप है और कई गोपों के भी स्वरूप है, वो माधुर्य रस के अंदर वो गोपियां भी हैं। बलराम जी स्वयं राधा रानी की छोटी बहन है अनंत मंजरी, यद्यपि उस समय अनंत मंजरी होती तो तुरंत एक ही क्षण में वो गांठ खुल जाती, क्योंकि वात्सल्य रस से परा है माधुर्य रस, और माधुर्य रस में अनंत मंजरी स्थापित है, लेकिन उस समय वो साख्य रस में थे इसलिए वो गांठ नहीं खोल पाए। मधुमंगल फिर प्रयास कर रहा है कृष्ण को हंसाने का, मधुमंगल कृष्ण का मित्र है, वो बड़ा हास्य में बड़ा निपुण है, जब लड्डू खाता है तो भोग आदि में लोकी और ठाकुर कहते हैं छल्ले बल्ले लाल खाए श्री मधु मंगल बगल बजाया और देव हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब भोग आदि जो जो जानते हैं तो मधु मंगल कृष्ण को हंसाने का प्रयास करते हैं, कृष्ण हंस पड़ते हैं और कहते हैं चलो 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 ये सब छोड़ो मानना है क्या है मंदिर ले चलो मंदिर में, और कृष्ण हाँ चलो चलो, सब बच्चे मिलकर के बार बार मिलकर के कृष्ण को अपने घुटनों पर चाहते हैं और कल को जो है धक्का मार मार के आंगन के अंदर ले जाते हैं। आगे दामोदर अष्टक के उनके अंदर बढ़े तो कृष्ण की जो मधुर लीला है गोकुल में उसका वर्णन करते हैं,
लीला भी आनंद कुंडे स्वघोष निमन जनता आखिर पाया था। समय बहुत कम पड़ रहा है, इतनी सुंदर लीला है, प्रयास करता हूं खत्म करने का, भद्र से कृपा है और बैठे तो ठीक है। तो इंद्रिक स्वर लीला में इस प्रकार से गोकुल के अंदर ब्रजवासियों को कृष्ण ने आनंद के कुंड में डुबो दिया। कैसी कैसी लीला की, जब से चलने लगे बाहर निकलने लगे गोपी के घर जाकर के मांगू सुनाने लगे, गोपाल को कहते हैं आज तेरे घर में चोरी करेंगे, कहते मधुमंगल तो ऐसा कर जब हम तेरे घर के पास आएंगे तो छुप जाएंगे खिड़की के नीचे और तू अंदर जाना और अपनी महिला को बोलना कि बछड़ा छूट गया गोशाला में, तेरी मैया जाकर के बछड़े को पकड़ने का प्रयास करेगी तो हम दरवाजे से घुसेंगे और सारा माथे सब आश्चर्य कर देंगे। तो ऐसे करके सुंदर लीला करी। एक बार गोपी के घर में घुसा कृष्ण, कृष्ण ने माकर को अंदर डाला और गोपी ने दरवाजे के पीछे छुपी थी पकड़ लिया उसको। तो तेरे क्या कर रहा है कृष्ण, चोरी कर रहा है? तो कहे नहीं भैया मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, अपनी गोपी भाषा में मधुर मधुर भाषा में देख मैं तुझे मैया बोलता हूं तो कहां सुख है, तो तू मेरी मैया होगी तो ये मेरा धर्म हुआ तो सुख है, अगर ये मेरा धर्म हुआ तो ये मेरी रसोई होगी रहता है। इंद्रिय स्वर लीला भी ब्रजवासियों को गोकुलवासियों के आनंद में
तो वो देवता है, ये हमारे कृष्ण है। तो कृष्ण ये कहते हैं स्वघोष निमज्जनम आख्य पर्यंतम, सब लोग जानो हे भक्तगण सारे भक्त, जो नाना प्रकार के वैकुंठ आदि लोक में जो मेरी भक्ति करते हैं ज्ञान से कर्म से जितने भी नाना प्रकार के भक्त हैं, आख्य पर्यतम मैं घोषणा करता हूं कि मैं उन लोगों के हाथ में नहीं रहने वाला हूं। स्वघोष, स्वघोष कह करते हुआ कि ये मेरा अपना गोकुल है, स्व ये मेरे अपना परिवार है, तो ये मैं उसी से भक्त होता हूं जिसको जैसे ब्रजवासियों का प्रेम है उसी से, बाकी मैं किसी के हाथ में इस मधुर मधुर लीलाओं में आने वाला नहीं हूं। जानता है कि मैं भगवान हूं उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं इस को मुझे जीत सकता है, सिर्फ भक्त जो ब्रज की भक्ति है भक्त जीत हुआ पुनः प्रेम स्थान श्रद्धा भक्ति बनते आपकी जो मधुर लीला और आपका जो प्रेम ब्रजवासियों का प्रेम और आपका जो प्रेम है ब्रजवासियों का ऊपर जो देखता हूं उसको मैं 100-100 बार प्रणाम करता हूं। फिर आगे सप्तम मुनि कहते हैं ये वार्तालाप चल रहा है जैसे बताया था, तो यहां पर कृष्ण की प्रशंसा करते हैं दास्य भाव में कृष्ण की लीला का, कृष्ण के परिवार का, कृष्ण के गोकुल का, कृष्ण की मधुर लीला का। कृष्ण कहते हैं ठीक है भैया तेरी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? तो वो कुछ नहीं कहते हैं, भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते। तो भगवान कहते हैं ठीक है मैं तुझे मुक्ति देता हूं। तो वो कहते हैं कृष्ण के दो तरह की श्रेणियां हैं नामों की, एक तो कृष्ण के गौणीय नाम है, गौणीय नाम किसको कहते हैं? जैसे हम बोलते हैं ईश्वर परमात्मा भगवान, उनको गौणीय नाम कहते हैं। और दूसरे कृष्ण के जो मधुर नाम है जैसे राधा रमन गोपी जन वल्लभ दामोदर श्याम सुंदर इत्यादि, तो कृष्ण को जो उस नाम से जब आप पुकारते हो यशोदा नंदन नंद नंदन, तो हर को उनको बहुत पसंद है क्योंकि उसमें उनके ब्रज के भक्तों का नाम जुड़ा हुआ है और उनकी लीला जुड़ेंगे उस नाम से ब्रज की। तो यहां पर वो कहते हैं सत्यव्रत मुनि आप मुझे मुक्ति दोगे सावधान वरण देव, तो उनको गौण्य नाम से बोलते हैं वर देने वाले देवता, यहां पर उनको प्रथम नाम से नहीं बुलाते हैं, उनको गोपाल दास से नहीं बुलाते हैं, उनको यशोदानंदन से नहीं संबोधित करते हैं, उनको संबोधित करते हैं वरण देव मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष तो वैष्णव के लिए तुच्छ है, खास करके हमारे गौड़ीय वैष्णव। पांच तरह के मोक्ष होते हैं सायज्य मुक्ति शास्ती और कौन सी है सालुक्य सामिप्य और सालोक्य। तो सालोक्य मुक्ति वो है जो मुक्ति भगवान के लोक में उस भक्त को मिलती है जहां भगवान निवास करते हैं उसमें निवास करता है। सामिप्य मुक्ति भगवान की से बड़ी निकटता से उनको सेवा होती है भगवान के धाम के अंदर। शास्ती शास्त्री मुक्ति उसको कहते हैं भगवान का वैभव है ऐसा वैभव भगवान को मिलता है, सारूप्य ऐसा रूप मिलता है, और सा जो नहीं जो राष्ट्रीय मुक्ति मिलती है वहां सी मुक्ति है सारी मुक्ति। सारी मुक्ति वो है जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं भगवान के प्रकाश के अंदर, और सारी मुक्ति सारे राष्ट्रों को लिखा है
हरि नाम को मुक्ति ना मांगे जन्म जन्म अवतार ले, हरि नाम को मुक्ति ना मांगे जन्म जन्म अवतार ले, नित्य कीर्तन नित्य उत्सव निरंतर आनंद तुम्हारे है। हरि के जो भक्त है शुद्ध वैष्णव है वो कभी मुक्ति नहीं मांगते, तो क्या मांगते हैं? नित्य और हरि का कीर्तन उनके गुण का और उत्सव मतलब जो है उत्सव निरंतर नंद कुमार सिर्फ नंद कुमार को प्रसन्न करने ही है। तो कहते हमें मुक्ति नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है भैया, तू अच्छी कोटि का भक्त निकला है तो मैं ऐसा करता हूं, मुझे मैं मोक्ष देता हूं वैकुंठ के अंदर ब्रह्म ज्योति के नहीं। तो ना तो कहते हैं कि वरुणदेव और मोक्षम ना मोक्षम अधिपा अवर मतलब वैकुंठ, तुमने वैकुंठ में नहीं मुझे नहीं चले इस स्थान। नौ चौ अन्य वृणे अहम वर ईशा और मुझे अन्य अगर आप मुझे हमारे सनातन गोस्वामी गिरि दृष्टि में बहुत सुंदर लिखा करते हैं इसके ऊपर नौ चौ अन्य पर्वत निकालते हैं कि मुझे वैकुंठ में वो पद चाहिए नहीं, लेकिन साथ साथ में अगर मुझे अन्य प्रकार की नवगा भक्ति देते हो खास करके वही भक्ति के अंदर वो भी मैं मुझे नहीं चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि, क्योंकि अगर मैं वो करता हूं तो मेरी हालत प्रहलाद गुरु जैसी है और मैं अंत में वही ही पहुंच जाऊंगा। तो न चो अन्य का अर्थ सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि मुझे तो फिर भैया क्या चाहिए तुम्हें? हरि बोल राधे राधे हरे कृष्ण स्वागत है। तो कहते हैं कि इदं ते वपुर नाथम गोपाल बालम सदा दे मनसी अविनाश मुक्ति। अभी यदि भी मुझे कुछ देना है तो यहाँ पर इदं मतलब वो ऑलरेडी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे, वो उस समय भाव से अंतरकरण से हृदय से वो गोकुल मांग रहे थे। तो इदं मतलब इसी गोकुल के अंदर उससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे है सदा में वसी अवनाशम की मनी की मने मतलब और कुछ नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इदं ते मुखां भोजम अव्यक्त निलय द्रुतम कुंठलाय स्निग्ध रक्तेश रूप्या। अब उनकी लालसा और भी बढ़ती है। शुरू में वो दास्य रस पीकर ले जब वो कह रहे हैं कि नमामि ईश्वर, बाद में कहते हैं इदं ते वपुर नाथम गोपाल, और जब अंतरकरण में वो समाधि के लग जाते हैं जो लीलाओं का स्मरण करते हैं, लीला स्मरण भी कई प्रकार का जब हम जाप भी करते हैं, हमारे जितने भी गोसाई थे हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है गोपाल जी मिलकर जब वो जाप करते हैं तो ठाकुर जी की स्मरण लीला होती है हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे, उसमें ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण होता है। तो इसी प्रकार से वो शुद्ध हरिनाम के द्वारा पहुंच करके देख रहे थे इदं ते मुखां भोजम आपका सुंदर सा कमल जैसा भूमंडल है और उनके जो घुंघराले जो बाल है वो आपके भूमंडल को जो है शोभित कर रहे हैं और जो आपके बाल है उसके ऊपर सुंदर सी लाली बाल रही हुई है। तो वृतम कुंठल है वो कहते हैं कि इदं ते मुखां भोजम अव्यक्त निलय अत्यंत निलय और कहीं पर अव्यक्त निलय, अत्यंत निलय का मतलब हुआ कि कृष्ण का जो मुखमंडल है एक बहुत ही सुंदर नील रंग का है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, जो इस प्राकृतिक जगत के अंदर अव्यक्त है। नव नील रंगी नितकान की धड़क प्रसार नाम भूम वर्ण शुभवन की पचास खंड सिद्धि और कृष्ण विधि ब्रज राज भगवान
बनता है इतना सौंदर्य, लेकिन वो भी अव्यक्त है। इस सौंदर्य इस जगत में ऐसा रंग नहीं है, अव्यक्त नहीं है, ऐसा सुंदर नीले रंग का उनका चेहरा है। और बार बार उनके बड़े सॉफ्ट बड़े स्मृत उनके बाल है, रक्त उनका जो सुंदर सी लालिमा है। और माता यशोदा और यहाँ पर गोप्या का प्रयोग किया है, गोप्या का अर्थ यह होता है कि माता यशोदा भी गोपिया भी और श्रीमती राधा रानी सबसे ज्यादा चुंबन ये लोग करते हैं। जब माधुर्य रस में सबसे ज्यादा चुंबन श्रीमती राधा रानी देती है तो यहाँ पर उनका थोड़ा सा भाव एक लोभ पड़ता है। भक्ति में सबसे बड़े बड़ा जो है वो लोभ है। ठाकुर भक्ति विनोद और हमारे आचार्य कहते हैं कि एक मूल्यम लोभ्यम, अगर आपको खरीदना है कुछ तो हर एक चीज की एक कीमत होती है, तो सबसे श्रेष्ठ अगर भक्ति चाहिए तो उसकी कीमत क्या है? लोभ्यम। लोभ्यम मतलब ग्रीड, मतलब लोभ। हमारे लिए तुम्हारा उदाहरण आता है श्री राधिका माधव और अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रति क्षण आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। जो शुद्ध गुरु है आचार्य है उसको बड़ी लोलता है, उसको बड़ा लोभ है अपार लीलाओं का वर्णन करना और अपार लीला में प्रवेश करना। तो लोलिय विष्णु का अर्थ यह हुआ जहां
जगह भगवान की उपस्थिति है उसको विष्णु कह रहे हैं। विष्णु जैसे हिरण्यकशिपु में जब प्रहलाद को उनके सारे प्रयास फेल हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं खुद तेरा वध करूंगा, अब देखता है कि कौन बचाएगा। तो बोलते श्री हरि श्री हरि। अच्छा तो तेरे श्री हरि मुझे देखता हूं कहां है, अभी आएंगे तुझे बचाने, इस स्तंभ के अंदर है। बोलते हाँ, उसको बोलते विष्णु, सब जगह मौजूद है उसको बोलते विष्णु। तो विष्णु यहां कहां से इस भाव में आ गए, समझाते हैं इसका मतलब विष्णु का अर्थ ये होगा, ये वज्रनंदन कृष्ण यशोदानंदन कृष्ण जो वृक्ष के अंदर कभी कालिंदी के तट के ऊपर, कभी कदम के पेड़ के अंदर, कभी यमुना में, कभी काम्यवन में, कभी मधुबन में, कभी महावन में, कभी गोवर्धन की गुफाओं में, रासलीला के अंदर वो सब जगह मौजूद थे, उपस्थित थे। इसीलिए यहां पर शब्द का प्रयोग किया है विष्णु। और खास करके उन्होंने ये रासलीला जब देखी तो यहां पर कृष्ण हर एक गोपी के साथ रास कर रहे हैं, इसीलिए ये शब्द का प्रयोग किया है कि आप हर एक गोपी के साथ हो, आप हर जगह मौजूद हो, इसीलिए ये शब्द का प्रयोग है विष्णु। नमो देवताओं पर अनंत विष्णु, आप अनंत हो, आप अपने आप को विस्तार करते हो कृष्ण ब्रज के अंदर। नमो देवताओं पर अनंत विष्णु, प्रसिद्ध करो दुख जागृति, कृपा करे मेरे पे प्रभु, कृपा दृष्टि विश्व दीनम बता रो, मैं दीन हूं। ऐसे गोपियों ने भी बड़ी दीनता दिखाई थी जब कृष्ण मुक्त हो गए रासलीला से, तो आपने दोबारा प्रकट होने थे गोपियों को इस तरह मेरे मेरे मन के अंतरंगकरण में, मेरे हृदय के अंतरंगकरण में दोबारा आप प्रकट हुए, ये मेरी इच्छा है, दीनम बता रो। जैसे एक वकील होता है जब कठेरे में मुस्लिम खड़ा होता है तो जब उसका वकील बहुत बढ़िया होता है हाई क्लास क्वालिटी का तो अच्छे अच्छे मुस्लिम भी होते हैं तो छूट जाते हैं, हकीकत है ना। और दूसरा भी वकील वो केस को लड़ रहा है, दोनों उनकी जो लॉ की किताबें हैं, लॉ के शास्त्र है, न्याय के शास्त्र, उसी में से उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं जज को, जज फलाने साल में फलाने ऐसा ही हादसा हुआ था और ये मेरा क्लाइंट है उसने तो ये भी किसी हादसे से मिलता जुलता है ये केस, तो आप जो है कृपा करके उस जज ने मेरा जो क्लाइंट है उसके फेवर में ये जजमेंट दिया था, न्याय दिया था, तो आप भी कृपा करके, और वो लंबी लिस्ट दे देता है ऐसे ऐसे वर्षों में ऐसे ऐसा केस हुआ था और ये भी इससे समान है ये केस, तो वो एक केस खड़ा कर देते हैं सत्यवर मुनि, कुबेर आत्म जाओ बदला मुर्दे करे दो, कुबेर जो कुबेर के जो पुत्र थे वो कितने नालायक थे, कितना उन्होंने कितने अपराध किए नारद जी के, वो इतने गिरे हुए उन्होंने गिरोही हरकत की थी कि जब मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे, नर्मदा स्नान में मदिरा पान कर रहे थे और अप्सराओं के साथ वो विलास कर रहे थे, नारद जी वहां से गिरे, एक संत गुजर रहा है, साधु गुजर रहा है और वैष्णव गुजर रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल लज्जा नहीं रखी। हालांकि जो अप्सराएं थी अपने आप को अपना प्रभाव करके वो चली गई, लेकिन वो नर्मदा स्नान में अपना मदिरा पान कर रहे हैं, तो नारद जी ने उनको श्राप दिया कि आप और नग्न खड़ा रहना है तो ऐसी योनि है 84 लाख में कि आप नग्न खड़े रहो वर्षों तक हजारों साल तक। प्रभुपाद जी भी ये कहते थे पाश्चात्य देश में कई जब कई लोगों को देखते हैं कि छोटे छोटे गंदे कपड़े पहने हुए हैं, तो प्रभुपाद जी के जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस दिस इज, इफ यू डोंट वांट टू वेयर क्लोथ्स देन यू विल बिकम पीस इन योर नेक्स्ट लाइफ। तो खड़े रहो नग्न, आपको कपड़े ढंग से नहीं पहने हैं या गंदा है लड़ना है, तो फिर 84 लाख जी में कृष्ण ने यही प्रबंध कर दिया कि खड़े रहो बन जाओ पेड़ और हजार साल खड़े रहो नग्न अवस्था में। तो जब उन्होंने
तब नारद जी ने कहा ये तो संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि आपका जो जन्म होगा नंद बाबा के मंदिर में और आप बाल गोपाल का स्वरूप कृष्ण जो देगा तो वो आप उसकी सारी लीला यदि मैं स्वयं कृष्ण आपको मुक्ति दिलाएगा। तो कृष्ण अब जो है वो फंस गए हैं खेलते खेलते पेड़ों के बीच में, और जब पेड़ों के बीच में फंस जाते हैं तो फिर जो है अपना ऐश्वर्य योग माया हट जाती है क्षण के लिए और थोड़ा सा धक्का देते हैं और दोनों अर्जुन पेड़ जो है वो गिर जाते हैं धड़ाम से। कहते गोकुल में ब्रह्मांड गोपाल और बड़े गोपाल नंद बाबा स्नान कर रहे थे और उन्होंने इतनी बड़ी आवाज सुनी और डर गए कि कहां से क्या भार टूट पड़ा। और जब वो वहां पहुंचे भाग करके ऐसी अवस्था में बीच में छोड़ा बाल गोपाल वहां पर पड़ा है अभी उधर से होता हुआ, तो कहते हैं कि उनका होश उड़ गया एक दर्द के लिए। एक दर्द कहते हैं 24 मिनट सारे ब्रह्मासी और बाबा नंद बाबा तुरंत भागे और कृष्ण को उठाया और उठाया मतलब उसकी गाल खोली और उन्होंने प्रार्थना करी अपने इष्ट देव नारायण से कि आपने उसको बचा दिया और उसको अपनी गोदी में ले लिया। जैसे ही नंद बाबा की गाल तुरंत खुल गई क्योंकि वो भी वास्तविक रश्मि है। तो उन्हें आप जाओ कर तो मुतर गए पर तैयार मुझी को भक्ति भाजों को कहने हालांकि आप खुद बंधे हुए थे कृष्णा, लेकिन आप कितने दयालु हैं कि आपने उनको मुक्त कर दिया। और कैसे मुक्त किया? दोबारा उनको स्वर्ग नहीं भेजा क्या पुणे है, आपने अपने धाम में घोड़ों के अंदर आपने उनको निवास दिया। तो कहते हैं कि त्वया मोचितो भक्ति भजो विरोचा, आपने अपनी भक्ति को ही साथ साथ में आपने अपना स्वयं गोकुल धाम भी दिया। जैसे कुंता को उन्होंने गोलोक वृंदावन दिया हालांकि कुंता उनको मारना चाहती थी, कम वार दयालु शरणम कितना सुंदर श्लोक है और अभी बहुत मीठा है समय है। तो कहते हैं तथा प्रेम भक्ति स्वराम में पहचा, तो वकील की तरह वो कहते हैं कि मैं भी नीच हूं, शायद आपने कुबेर के बच्चों को दिया प्रेम भक्ति भी अपना धाम दिया तो कृपा करके सका में पहचा आप मुझको भी ये कृपा करेंगे। फिर आगे जाके वो प्रवेश कर गए हैं, उनकी लीला दोबारा स्मृत हो गई, कृष्ण ने उन पर कृपा दृष्टि बरसाई और अब जो के अंत में वो कहते हैं नमस्ते तो दामने सुरत दीप्ति धामने। मैं सबसे पहले इस सुंदर दृश्य को मैं जो दाम है जो रस्सिया है जो कृष्ण को बांधे हुई है उसको मैं नमन करता हूं। क्यों? क्योंकि वो इतनी भाग्यशाली है क्योंकि कृष्ण जो है सबसे प्रकाशमान है और आप उसको जो स्पर्श किया तो उसमें भी एफलजेंस प्रकाश आ गया है शुद्ध 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 सत्वम का। और कृष्ण सारी सृष्टि उनके पेट के अंदर होती है, कामदशाई विष्णु है उनके पेट में सारे ब्रह्मांड समा जाते हैं जब एक श्वास अंदर ले लेते हैं और जब एक सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके पेट में से और उनके ये क्या बोलते हैं वो सुना रूम में से उत्पन्न होते हैं। तो कहते हैं नमस्ते तू धाम में सुर दीप्ति धाम में, दीप्ति मतलब आप बहुत ही प्रकाशमान हो हे रसी, आपने भी कितने कितनी तपस्या की होगी कि आप कृष्ण के श्री अंग पर उनके उदर के ऊपर आप विराजमान हो। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय,
बहुत सुंदर है, इसके लिए इस लाइन के ऊपर कम से कम एक घंटा बोल सकते हैं। लेकिन संक्षेप में यह इसका अर्थ हुआ कि नमो तने राधिका आपको नमन करता हूं, त्वरीय प्रिया है कृष्ण। ये त्वरीय शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में कहा नाम नाम कारी बहुरा नीच सर्वशक्ति, नीच मतलब अपने कोई पराया नहीं, जो भक्त ज्ञान कर्म मिश्रा भक्ति वो एक तरह से पराया है, भजन मिश्रा को उसे कुछ लेना देना नहीं, ये मेरे अपने ब्रजवास की है। उनके बारे में कह रहे हैं नमो राधिका पति, और यहाँ पर पति अगर खास करके राधिका आपकी पति है और आप राधिका के हो, पति सबसे निकट है राधिका, राधिका आप कृष्ण की पति प्रिया है और आप कृष्ण की प्रिय हो। प्रिया जो यहाँ पर उनको बोलते हैं प्रेम से श्यामा जू और प्रिया जू, प्रियाजू मतलब ब्रज के अंदर रसिक भक्त जो है उनको प्रियाजू के संबोधित करके यहाँ नमस्ते के काल में स्वर दीदी काल में तभी वो कहा उधर आया तो विश्व से काम है नमो राधी का आया पति या प्रिया है नमो अनंत लीला है देवा है पूज्या। और यहाँ पर अनंत लीला का अर्थ है उनकी वो राधी का रानी राधा रानी की कृपा से प्रवेश कर गए हैं माधुर्य रस में। तो ये अनंत लीला जो यहाँ पर उल्लेख हो रहा है सनातन गोस्वामी का है, ये जो अनंत लीला है वो माधुर्य रस की लीला का वो यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, अनंत लीला का रास लीला आगे इसके अंदर नमो अनंत लीला है देवाय लीला है। अर्थ होगा ली प्लस ला, ली मतलब आलिंगन, ला मतलब उसको स्वीकारना, भक्तों का आलिंगन स्वीकारना, यशोदा माई गोप गंगा वात्सल्य रस सत्य रस और खास करके माधुर्य रस में जब गोपियां कृष्ण को आलिंगन करती हैं तो लीला का एक और एक अर्थ समझाया गया है ली ला। नमो अनंत लीला है, अनंत गोपिया कृष्ण को और राधा रानी आनंदिनी करती है कृष्ण को, अनंत अनंत चुंबन और अनंत आदि में करती है कृष्ण को, नमो अनंत लीला है देवाय पूज्या। ये बड़ी काष्ठा में पाल गए हैं माधुर्य रस की उज्ज्वल रस के अंदर सत्य वस्तु उसको मैं बार बार नमन करता हूँ। कृष्ण को जब नंद बाबा उठा लेते हैं कृष्ण रोने लगते हैं और कहते हैं नंद बाबा ये किसने किया, तो कहती है कृष्ण ये मातृ मैया यशोदा ने किया। तो मैया यशोदा ने किया, नंद बाबा का बड़ा क्रोध है, गोपाल चंद्र में स्थिर कर दिए, कथा कर रहे हैं नंद बाबा को गोलोक के अंदर। तो नंद बाबा फिर बड़े चुप हो गए, बड़े गंभीर हो गए, उनको बड़ा क्रोध आया कि यशोदा ने ऐसा क्यों किया। यशोदा माई रोड में बाहर आती है, रोहिणी माता आती है, गोपियां बाहर आ जाती है और देखते हैं कि ये कृष्ण रो रहे हैं और रोहिणी माता आती है कहती कि आजा लाला। तो लाला कहते हैं दूर हो जाओ मेरे से रोहिणी माता को, जब मैं रो रहा था तो चुप चुप कहां थी। अरे चल लाला, अब माता यशोदा रो रही है उसके पास चल। तो बाबा नंद कहते हैं कि जाओ लड़ते ना बदल नहीं। गोपियां कहती है रोहिणी माता कहती है तो फिर आपको भूख लगेगी तो कैसे खाओगे। तो बाबा मुझे ले जाएंगे गौशाला में और गाय को धो के उस गाय का स्तन मेरे मुंह में रख देंगे। नंद बाबा ऐसा ही करते हैं, मिश्री उनके मुंह में कृष्ण बलराम को ब्रह्मांड घाट ले जाते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं उनकी रक्षा के लिए और फिर गौशाला में ले जाते हैं मिश्री और गाय को सीधा उनका स्तन में डाल करके उनको दूध का पान कराते हैं और फिर कहते हैं चलो कृष्णा अब मैया के पास चले जाओ। बोलते नहीं सोना है दे बाबा आप के पास सोएंगे। फिर बलराम जी को भेजती है नंद रोहिणी माता, चलो बलराम तू जाके ले आ। तो बलराम को भी कृष्ण धक्का मार देते हैं, हट बलराम हट जाओ, जब तू भी तुझे मेरी गांठ नहीं छुड़ा सका और तू भी नहीं जा, जब मेरी माँ ने मुझे मारा था तू कहां था।
नाओमी हार गए, फिर यशोदा माई को नंद बाबा देख रहे यशोदा माई की तरफ और कहते कृष्णा ये स्मित कंठ गोपाल चंपू में कहते हैं कि क्या तेरी माई को है। तो जब ये ऐसे हाथ उठा लेगा वो करते हैं तो दोनों छोटे हाथ से कृष्ण नंद बाबा का हाथ को फिर दूध नहीं, और रोहिणी माता कहती है देख तेरी माँ की हालत क्या है, अभी तो एक स्तंभ की तरह पड़ी हुई उसको ये देख रही है कृष्ण कि ये मेरे साथ ये हाल हुआ। तो कितना पश्चाताप करेंगे चल कृष्ण, उसने कुछ नहीं खाया सारा दिन, यद्यपि अगर ऐसे कुछ हो गया तो मर जाती, जब तक ये शब्द मुंह से निकलते हैं कृष्ण लपकते रहे रोहिणी माता के गोद में आ जाते हैं और रोते हैं कि मैया, और वो चले जाते हैं यशोदा माँ के की गोद में। दोनों माँ और बेटे एक दूसरे की गोद में वो रो रहे हैं छाती को लिपटा के, माता यशोदा दोबारा उसको दूध पिलाती है और व्रज के अंदर सब ये दृश्य देख के रो रहे हैं और रो कर के फिर व्रज के जितने भी बड़े बुजुर्ग है वो सांत्वना देते हैं और फिर कृष्ण जो स्वयं अपनी माता को वो ले आते हैं उंगली पकड़ के नंद बाबा के पास, क्योंकि नंद बाबा रुके हुए हैं, माता यशोदा बच्चा से अपना छुपाए हुए अंचल में खड़ी है और फिर कृष्ण माता यशोदा को पकड़ कर विशाल में वो गुजर करते हैं। ये कथा जब स्थित कंठ ने करी तो नंद बाबा प्रश्न पूछते हैं गोलोक में ये गो कहाँ है, जो ये जो उनकी गोलोक में उनको मुक्ति मिली थी तो कौन है ये लोग, कुएं के जो बच्चे कहाँ पर है वो गो। उन्होंने नीचे वस्त्र उठा लिया, नीचे कर दिया वस्त्र और फिर थे महाराज और आगे कुछ नहीं बुलाया उनसे। तो महाराज ने कहा, उन्होंने कहा महाराज का समझदार है बस इतना ही कहा और मौन दे दिया। तब महाराज गर्व की आंखें देख लिया ये आप ही लोग हैं आचार्य जितने भी है जो सुंदर गीताएं दी है उनके हम बड़े आभारी हैं, उन्हीं के बल से हम थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं। जब दामोदर जी के शवक समाधि हम दिया जलाएंगे तो हम ये आशा रखते हैं कि इन लीला का आस्वादन आप भी कर पाओ, हम कर पाए और जब दामोदर अष्टक गाए गए तो इसी सत्यव्रत मुनि के भाव से गौड़ीय भाव से स्फुरित हो हमारे हृदय के अंदर। धन्यवाद। हरे कृष्ण। गोपाल की श्री श्री राधा रामदर जी की, यशोदा रामदर जी की, राधा।